हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मेजरमेंट ली है, तो ये मेजरमेंट के हिसाब से हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमें चेस्ट है हमारी 42 इंच यानी कि 42 इंच, उसका 1/4 लेंगे हम 10.5 इंच, लंबाई हमारी 15 इंच, गला फ्रंट साइड का 6 इंच, बैक साइड का 9 इंच, बाजू की लेंथ है हमारी 6 इंच, बाजू का बॉटम है हमारा 6.5 इंच यानी कि राउंड में हमारा 13 इंच। डबल कटोरी का मार्किंग करेंगे हम 12.5 इंच पे और कमर है हमारी 36 इंच। अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पेपर लिया है, पेपर को पहले हमें इस तरह से लंबाई नापनी है। लंबाई हमारी 15 इंच, तो हम 15.5 इंच लेंगे। 15.5 इंच पे हम मार्किंग करते हैं। 15.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद ये जो है ये एक्स्ट्रा लेंगे अंदर के साइड में फोल्ड करने के लिए। जैसे अंदर के साइड में हम फोल्ड करते हैं तो इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे हमने 0.5 इंच लिया है क्योंकि यह सिलाई में जाएगा। ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो यहाँ पर हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। जैसे चेस्ट का 1/4 है हमारा 10.5 इंच, हम 10.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। ये हम इस तरह से इसे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम 10.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। और ये जो पेपर है यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं। जो हमारी फ्रंट साइड है उससे कम हमें 1 इंच बैक साइड लेनी है। बैक साइड जो है यहाँ पे हमें 1 इंच कम लेनी है। यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे गले के लिए मार्किंग करनी है। 5.5 इंच पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 है और 1.5 इंच लिया हमने सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे 6 इंच, 6.5 इंच के हिसाब से हम आर्मोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आर्मोल लिया है 6.5 इंच। फ्रंट साइड का गला है हमारा 6 इंच, हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें फ्रंट साइड की गोलाई देनी है 1.5 इंच पे और बैक साइड की गोलाई देनी है हमें 2 इंच पे। यहाँ पे हमें इस तरह से ये फ्रंट साइड की गोलाई देनी है। और यहाँ पे हमें ये बैक साइड की गोलाई देनी है। ये दोनों साइड की हमने ये गोलाई दी है। यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे गले के लिए। जैसे हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 12.5 इंच पे डबल कटोरी ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम ऊपर के साइड से 12.5 इंच लेंगे, 12.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। इस तरह से हमें इसे एक सीधी लाइन लगानी है। इस तरह से हमने ये सीधी लाइन लगाई है। अब यहाँ पे हमें कटोरी का नाप लेना है 6.5 इंच पे। ये फ्रंट साइड की जो गोलाई है यहाँ से हम नापेंगे 2.5 इंच पे और गले के ऊपर नाप लेते हैं 1 इंच पे। अब यहाँ पे हमें ये तीनों जो पॉइंट है इसे हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे हमें कटोरी का हाफ निकलना है। जैसे 6.5 इंच है तो हम 3/4 इंच पे मार्किंग करते हैं। 3/4 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2.25 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से पहले गोलाई देते हैं।
यहाँ पे हमें ये नापना है। जैसे 9 इंच आता है तो 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, और इसके आगे 3 इंच आता है। जैसे 3 हिस्से होते हैं हमारे, जैसे यहाँ से पूरा राउंड शेप में हमारा 9 इंच आता है, तो इसके 3 हिस्से करने हैं। तो एक हिस्सा हमें नीचे के साइड में लेना है और 2 हिस्से हमें ऊपर के साइड में रखने हैं। अब यहाँ पे हमें इसका सेंटर निकालना है, 3.25 इंच आता है। तब यहाँ पे ये हम डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे थोड़ा सा राउंड शेप में इसे कट करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने बैक साइड कट की है, अब ये फ्रंट साइड कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फ्रंट साइड की गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी ये क्रॉस पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। और ये जो है ये हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये बीच में जो मार्किंग किया हुआ है मेजरमेंट लेके, इसको हमें कट करना है। इस तरह से, तो ये जो है इसे हमें, ये दोनों पार्ट जो है इसे हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है इसे लेनी है। तो ये आती है हमारी 2.5 इंच, फ्रंट साइड की मेजरमेंट आती है इसकी 2.5 इंच, और ये आती है हमारी 3 इंच। तो ये जो होता है ये हमारा वेस्टेज पार्ट होता है, और इसे है दूसरे पेपर पर बढ़ाना है। लेकिन ये जो है तो हमें दूसरे पेपर पे हम जब बढ़ाएंगे तो ये मेजरमेंट हमें ज़रूरी होती है। तब इसको कैसे बढ़ाना है ये देखते हैं। यहाँ पे हमने ये दूसरा पेपर लिया है, पहले हमें क्या करना है, इसे जैसा है वैसे पहले हम निकालते हैं। इस तरह से जैसे था वैसे हमने निकाला है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। इस साइड में भी हमें 1.5 इंच लेना है और एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसे हम ज्वाइंट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जितना हमारा सिलाई में जाता है उतना आपको एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा लेना है, और इसके बीच का हमें सेंटर निकालना है। 6.5 इंच आता है तो 3.25 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। 3.25 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से इसका आधा आधा इंच लेते हैं। नीचे के साइड में हमें आधा इंच लेना है, इस साइड में भी हमें आधा इंच लेना है। इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट करना है। अब इसकी बाहर के साइड से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें नापना है, यह आता है हमारा 9.5 इंच, 9.5-10 इंच आता है। तो हमें क्या करना है, दूसरे पेपर पे ये जो पार्ट था हमारा, तो यहाँ पे हमारी फ्रंट साइड की लंबाई थी 2.5 इंच और बैक साइड की लंबाई थी हमारी 3 इंच। तो यहाँ पे हमें
ढाई इंच पे एक मार्किंग करते हैं और यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा नाप आता है उतना हमें लेना है, जैसे पौन दस इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें तीन इंच लेना है। अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है, इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। ऊपर के साइड में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और इसे हमें ज्वाइन करना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें इसका सेंटर निकालना है। पौने दस इंच है तो यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे बिल्कुल तीन इंच लेंगे। इस साइड में डेढ़ इंच आएगा और दूसरे साइड में भी डेढ़ इंच आएगा। अब यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करना है। ये हमारा टक्स पॉइंट आता है तो ये हमारा इस तरह से आएगा। ये हमारा सिलाई में जाएगा नीचे के साइड में और इस तरह से ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये डबल कटोरी की कटिंग की है। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अभी यहाँ पे हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है। लंबाई है हमारी स्लीव्स की, बाजू की लंबाई थी हमारी 6 इंच। हम 6 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और डेढ़ इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमें इस तरह से इसे लेना है और एक्स्ट्रा जो है उसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे भी हम 1 इंच सीधा लेंगे और इस साइड में भी 1 इंच हम सीधा लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से बाजू का शेप देते हैं। इसके ऊपर हम बॉटम लेंगे। 6.5 इंच हमारा बॉटम है, इसमें हमें सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। जो बाजू का शेप हमने दिया है उसे कट करना है। इस तरह से हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। तो यहाँ पे हमने ये डबल कटोरी ब्लाउज की है, हमने ये कटिंग की है। ये इस तरह से आता है हमारा। ये हमने 42 इंचेस 42 इंच चेस्ट ब्लाउज की हमने ये कटिंग की है। तो आप कपड़े के ऊपर रख के इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।